नमस्कार, मैं पंकज। आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। और आज हम उपस्थित हैं सेवक में, कोरोनेशन ब्रिज के करीब में, जहां पे आप देख पा रहे हैं हमारे बीच मुकेश सिंघल जी के अलावा और तमाम पदाधिकारीगण यहां उपस्थित हैं। आपको बता दें, यह सेवा जो है श्री राम सेवा परिवार राम रसोई के सौजन्य से आज देने के लिए यहाँ पे तमाम पदाधिकारी उपस्थित हैं। हर किसी के अंदर श्रीहरि नारायण ही बास करते हैं। अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो इससे बड़ा धर्म और इससे बड़ा इंसानियत कुछ भी नहीं है। इसी का बीड़ा उठा करके, अपने कंधों पर लेकर के यह कार्य हेतु यहाँ पे तमाम पदाधिकारी श्री राम सेवा परिवार के सौजन्य से आज उपस्थित हैं। तो आइए हम देखते हैं और समझते हैं चीज़ों को विस्तार से और आपको बताते हैं। कहते हमारे साथ ऐसे ही अपडेट्स लेकर के हम पुनः मिलेंगे आपके साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। के भक्त हनुमान की सेना आज बानरों को यहाँ पे ओम प्रकाश जी मित्तल गोल्डन प्लाजा लोगों की तरफ से सेवा दी जा रही है। यहाँ पे केले का प्रसाद समय हनुमान की सेना हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम सेवा परिवार सिलीगुड़ी, श्री राम सेवा अलौकिक, जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। गौ माता की करुणा पुकार कोई बन जाए गोपाल। और यहाँ आप देख पा रहे हैं मनुष्य सेवा और जीव सेवा और राम जी का संदेश, गरीबों का सहायता विशेष। राम जी के भक्त बने, गरीबों का सहारा बने। जय श्री राम का नारा, गरीबों का सहारा। राम रसोई की सेवा, श्री राम सेवा परिवार सौजन्य से यह कार्य किया जा रहा है। जिन भक्तों ने दी है उनको हम श्री राम सेवा परिवार की तरफ से एक मोमेंटो दी। राम सेवा परिवार द्वारा लिया गया सेवा का संकल्प राम रसोई में आपका साथ और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। राम परिवार के सौजन्य से आज यह सेवा दिया जा रहा है। शालबाड़ी गौशाला में श्री राम सेवा परिवार के सौजन्य से श्री मुकेश सिंघल जी को आप देख पा रहे हैं, गौ माता को यह सेवा दे रहे हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह बहुत ही कम है। गौ माता हमारी माँ है। माँ के दृष्टिकोण से देखते हैं हम। कई बार समाज में देखते हैं जिस बच्चे की माँ गुजर जाती है उसे ये गौ माता का दूध पिला करके आता है। गौ माता का दर्जा एक माँ के बराबर है, इसीलिए इन्हें माँ के नाम से हम संबोधित करते हैं। उसी गौ माता का सेवा शालबाड़ी गौशाला में आप देख पा रहे हैं श्री राम सेवा परिवार के सौजन्य से मुकेश सिंघल भैया को आप देख पा रहे हैं कि ये सेवा किस तरीका से समर्पण भाव के साथ सभी गौ माताओं को केले देते नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ही आकर्षक यह दृश्य है। 4000 से भी अत्यधिक गौ माताओं का सेवा कर चुके हैं। इसके पूर्व में हम आपको बता दें, रास्ते में जितनी भी गौ माताएं इस न्यूज के जरिए आप देख पाएंगे भी सेवा प्रदान किए हैं। और उसके पश्चात यहाँ पे सालबाड़ी गौशाला में वह सेवा देते नज़र आ रहे हैं। इसके पहले आपको बता दें, सेवक में बंदरों को भी सेवा दिया गया है, उन्हें भी केला खिला करके आज गदगद जीवों का भाषा को समझे और इनके चेहरे के भाव को देखें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। ग्लोबली न्यूज अपडेट में आज के प्रोग्राम के बारे में हमारी एक ही संकल्प था, गौ माता की करुण पुकार कोई तो बन जाओ गोपाल। इसी कड़ी में राम सेवा परिवार ने
अग्रिम भूमिका निभाते हुए पूरा समाज का साथ और सहयोग से आज ये सेवा कार्य का प्रकल्प शुरू किया है। इसमें हमारे नॉर्थ सिटी के श्री नवीन अग्रवाल जी ने आज अपनी तरफ से गौ माता के लिए ये सेवा प्रदान की है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पूरा समाज राम रसोई के आप यह देख पा रहे हैं साक्षात हनुमान जी के रूप आज इनकी सेवा करने के लिए यह श्री राम सेवा परिवार उपस्थित हुए हैं कोरोनेशन ब्रिज के आगे बागपुर। छः सात स्पॉट में अलग अलग जगह में करीब 8000 किलो का आज हम यहाँ पे खिलाने का कार्य करने का है। हमारे साथ सभी सबको स्वागत है। इस बहुत बड़ा शुभ कार्य होने जा रहा है। बंदरों की सेवा केलों को प्रसाद द्वारा की जा रही है। भाई मुकेश ने अग्रणीय भूमिका निभाई है इसमें, बहुत बड़ी सेवा में लगे हुए हैं और ये सेवा को साकार करने में श्री प्रभु का श्री राम का सदा आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम, जय श्री राम। उनका आशीर्वाद सदा बना रहे। सबके साथ मेरा वक्तव्य यही से करता हूँ। राधा स्वामी। बहुत ही अच्छा लग रहा है। भक्त हनुमान की सेना हमारी गाड़ियों के अंदर, गाड़ी के ऊपर और गाड़ी के आसपास सभी गाड़ियों में चढ़ के, जो हमारा स्वामनी केला का स्वामनी है वो गाड़ी के अंदर था। करीब समय भक्त हनुमान गाड़ी के अंदर आकर अपने हाथों से प्रसाद ग्रहण किया। हमें बहुत ही हर्ष का विषय हो रहा है और ऐसा मौका हमारे युवा टीम की वजह से ये संभव हो पा रहा है। मैं अश्विन भाई और विकास भाई से भी कहूँगा, वो भी अपनी दो बातें रखें। हमारे अश्विन भाई इस सेवा के चेयरपर्सन हमने बनाया हुआ है। इनके नेतृत्व में बहुत ही कुशल और अच्छा कार्य हो रहा है। हम इनसे कितने बंदरों को खिलाया गया आज? हमारा कम से कम भी 5000 बंदरों को हम लोग यहाँ पे पूरा प्रसाद देने जा रहे हैं। अभी तक हमारे 4 स्पॉट हो चुके हैं, बाकी हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ते बढ़ते पूरा सिलीगुड़ी तक हम सेवक से लेकर और सिलीगुड़ी तक पूरा कवर कर रहे हैं। मैं अश्विन भाई से कहूँगा वो कुछ बातें कहें। जय श्री राम। आपने देखा कि हमने कितने हनुमान भक्त वानर की सेना को यहाँ पे प्रसाद अर्पण किए और ये धर्म नगरी सिलीगुड़ी में पहली बार ही कोई संस्था ने ऐसा काम किया है और हम स्वयं पहले हैं उसमें। और ये हमारी जो सेवा है हर मंगलवार और शनिवार को रहेगी और उसके अलावा अगर कोई भी हमें संपर्क करना चाहे इस सेवा में जुड़ने के लिए तो वो ज़रूर से संपर्क करें हमसे और ये सेवा का आनंद उठाए हमारे साथ आके यहाँ पे। जैसे कोई दर्शक आपसे जुड़ना चाहे इस तरह का सेवा में, जैसे आपने बताया, तो संपर्क सूत्र कुछ हो तो दीजिए ताकि वो आपसे मिले। जी, हमारे हमने अपनी पंपलेट बनाई है, फेसबुक के जरिए व्हाट्सएप के जरिए हमने इसका सेवा का प्रचार किया है और पूरा समाज का साथ और सहयोग से ये पूरा संभव हो पा रहा है। पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये हमारा कार्य नहीं है, ये प्रभु श्री राम समय हम सभी कार्यकर्ताओं को अपना सेवक बनाकर करवा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं विकास, बहुत अच्छा लगा बानर सेवा के, हम जो लोग सेवा किए हैं यहाँ पर देख के एकदम बहुत आनंद आया। ये सेवा होते रहने चाहिए, जो कि लोग भी तड़पता है खाने के लिए, कम से कम आशीर्वाद मिले लोग से भी, बहुत अच्छा लगा। पहले आप आ चुके सेवा दिए हैं? पहले एक बार आए थे। कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा, आनंद लगा, बहुत आनंद। ऐसे समय में क्या संदेश देना चाहेंगे आप औरों को? सब लोग का आना भी चाहिए, करना भी चाहिए काम। समाज बंधुओं से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, आप सभी इस सेवा कार्य में जुड़े और यहाँ पे हम हर शनिवार और हर मंगलवार हम लोग सेवक में आएंगे। हमारा टाइम सेवक में पहुंचने का 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का रहेगा। आप कोई भी समाज बंधुगण इस सेवा में जुड़ सकते हैं, तन से भी जुड़ सकते हैं, मन से भी जुड़ सकते हैं और धन से भी जुड़ सकते हैं। मैं आप सभी से पुनर्निवेदन करूंगा, आप सभी इस सेवा के कार्य में आए। आज हमारी दूसरी सेवा स्वान जो डोगों को भी आज हम सेवा करने जा रहे हैं, वो भी सेवा हमारी आज से शुरू हो रही है और राम रसोई हमारी 2 दिन से निरंतर चल रही है। आप सभी बंधुओं का, हमारे साथियों का, माताओं बहनों का, नारी शक्ति का, युवाओं का हमें साथ और सहयोग मिल रहा है। हमारे पास सभी के बुकिंग आ रही है और हमारी इच्छा यही है ये बानर की सेना भक्त हनुमान की सेवा, प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान की सेवा हम निरंतर प्रत्येक शनिवार और प्रत्येक मंगलवार हमारी निरंतर जारी रहेगी। ऐसे स्वान
डॉग की भी सेवा हमारी हर दिन 365 दिन जारी रहेगी। ऐसे ही हमने गौ माता का भी प्रण लिया है। आप सभी का साथ और सहयोग से हमें ये सेवा निरंतर हम जारी रखेंगे। ऐसे ही बेजुबान पक्षियों को भी सेवा आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी तन मन धन से श्री राम सेवा परिवार के साथ जुड़ें और प्रभु श्री राम का सेवा कार्य में आप सभी सहभागी बने। जय श्री राम, जय हनुमान। इसके पहले आप लोग ये कार्य मतलब शहर से दूर कुदरत के बीच छुट्टियों के कुछ दिन बिताना है तो आयुष जंगल रिसोर्ट आपका स्वागत करता है। डुआर्स के खूबसूरतियों के बीच चारों ओर घने जंगलों से घिरा मूर्ति नदी के किनारे, यहाँ एसी नॉन एसी डिलक्स रूम के साथ साथ आनंद लीजिए स्वादिष्ट और हाइजीनिक खाने का। हमारे यहाँ जंगल सफारी के सुव्यवस्था के साथ साथ पिक एंड ड्रॉप सेवा भी उपलब्ध है। आज ही आए छुट्टियों के कुछ दिन बिताने आयुष जंगल रिसोर्ट गोरुमारा बंगलो के नजदीक न्या मूर्ति नदी लाटागुड़ी।